यार मुझे ऐसा लगता है कभी रास्ते होंगे यहाँ से, सीढ़ियाँ होंगी, रास्ते होंगे, लेकिन अब इसको जो है ना नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। लेकिन जो इसकी हालत है, आपको लगता है जाना सही होगा अंदर? क्या कहते हैं, चल के देखते तो हैं सर, कोशिश तो करते हैं। क्या देखें ना इसकी वो जो आरसीसी की छतें हैं ये, और एक प्लास्टर इसका गिर चुका है। मुझे कुछ कुछ वो घर याद आ गया जिसके दाखिली रास्ते ही बंद कर दिए थे, दीवारें खड़ी कर दी थी ताकि वो जाए ना। मुझे ये लगता है कि वो दीवार तोड़ दी बाहर की और इसके जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया गया ताकि वो गलती से भी चला ना जाए इसके अंदर। फिर मेरे ख्याल से उधर से निकलते हैं, इसके एक राउंड भी हो जाएगा, देख भी लेते हैं। ये पानी रात को यहाँ तक आ जाएगा? हाँ, निशानात तो है यहाँ तक के, तो निशानात बने। जितनी कहानियां है ना वो ना समझ आने वाली है कि एक्सीडेंट अगर होते हैं तो वो फ्रंट पे क्यों होते हैं, और वो खातून अगर आती हैं तो वो आती कहाँ से। और ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार सुन रहे हैं, हमें ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ हद से ज़्यादा हादसे होते हैं, ऐसी जगह हमने देखी, एक हादसा थी, चौक को भी हमने शूट किया जिसकी तस्वीरें भी आई थी हमारे पास, डहरकी में थी वो जगह, अखबारों में भी आया था ये बहुत मामला, उसको नाम ही दे दिया था हादसाती चौक। इसी तरह इस हट को भी हादसाती हट कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ कुछ 4 से 5 हादसे हुए इस पूरे रोड पे इसी जगह। ये जरा दिखाइएगा ये वाला, ये रूट है, ये एक पाथ है बल्कि पूरा इसका, 1 2 3 4 5 तमाम के तमाम हादसे यही, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले, सुजुकियों वाले, सबके हाथ से इधर ही होते हैं। अच्छा। और सब कहते हैं कि अंधेरा सा छा जाता और स्टीयरिंग या हैंडल गाड़ी का अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती गाड़ी। दूसरा, वो जो ड्राइवर साहब अभी रिसेंटली जो खातून के पीछे यहाँ पर आए, उनका पता नहीं चला, उनकी गाड़ी मिली सुबह यहाँ से इसी हट के सामने। पहले भी जो लोगों के साथ बात वाकियात हुए, एक गाड़ी में बैठा रहा, दूसरा जो है वो वापस नहीं आया गया और वापस नहीं। तमाम की तमाम कहानियां इसी हट से मंसूब की जाती हैं, जिसको दाखिली रास्ते ही बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई गलती से भी अंदर जा ना सके। आई थिंक अभी हम जो जाएंगे वो अल्टरनेट रास्ते हैं इसके, उससे हाँ, हमें तो जाना पड़ेगा अंदर। यार ये आवाजें डरा रही हैं समंदर की। कौन है, कौन हो? देखो, हम कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने की नीयत से यहाँ पे नहीं आए। इसके नीचे मेरे ख्याल से तहखाना होगा सर, ऐसा तो नहीं है कि रेत भर गई है इसमें समंदरी, इस वजह से बंद हो गया तहखाना? हो सकता है हो किसी टाइम पे, देखें इसकी बाकायदा ये बेस पूरी बैठ गई है जमीन की, छत भी टूटी हुई है, मख्तूश है बहुत ज्यादा। आए ऊपर देखें, मेरे ख्याल से एक किसी स्पेसिफिक जगह पे ना वजन मत डालना, एक साथ अलग अलग ही खड़े होना। इतनी मिट्टी यहाँ के पानी के साथ आई है, क्या है ये सीढ़ियाँ हैं, क्या है ये रेत है, पानी आ जाता है रात को यहाँ पूरी, मुझे भी ऐसे लग रहा है कुछ। बिस्मिल्लाह यार, अंधेरा कितना है इधर। एक मिनट, ये आवाज कैसी थी, सुनिए आप, कुछ गिरने की आवाज है ना, कुछ गिरने की आवाज है। यहाँ आग लगी है, क्या है आपकी नहीं पता ना, जमीन पे तो कोई निशान नहीं है,
और सुहेल भाई मुझे बता रहे थे कि यार ये दीवार भी जो है ना इसको भी तोड़ा गया है बाद में। ऐसा क्यों? एक ये दीवार है फिर ये दीवार बनाई जाती है, इसको तोड़ा क्यों जाता है? आए जरा अंदर क्या है, इन खिड़कियों को बंद क्यों किया जाता है? अल्लाह सुहेल भाई आइएगा यार, ये एक फेस बनाया गया है सामने। गंदगी फैली गई इधर धुंधा धुंधा नोट कर चेहरा। हाँ ये चेक कर, ऐसा ही खातून का वो है, खातून का है ना, देखा इमेज खातून का है, दिखाइएगा सुनील भाई का चेहरा, दिखाइएगा ये खातून का चेहरा है ना। बाल देखे ना उसके, बाल लंबे और ये जो है ना ये कुछ आप ये देखे ना, मतलब इसको क्या करना चाहा, क्यों बंद करना चाहा खिड़की, मतलब को बंद किया हुआ है ऐसे खिड़कियां बंद है, मतलब यहाँ पे रखा दिया है ये बंद है और ये भी पैक था, इसको तोड़ा क्यों बाद में? ये तो ऐसा नहीं लगता कोई अंदर हो, महसूस हो किसी की स्मेल आ रही हो तो आप तोड़ के जी देखना चाह रहे हो? अच्छा इसका और भी रास्ता भी नहीं है ना उस तरफ जाने का, यही है ना। जम गया जाऊँ सर, इधर ना जाना भाई, ये टूटा हुआ था ना, नहीं 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 भाई मत जाओ, टूटा हुआ था बहुत ख्याल से रखता है, बहुत सारी शक्लें बनी, इनको मिटाया भी गया है बाद में। ये है भी बड़ी खतरनाक यार, ये बात है पैनिक नहीं होना इधर बिल्कुल भी, हमारी वाइब्रेशन से गिर भी सकती है, यहाँ मत जाना, बड़े बड़े चक्स पड़ा है गया ना, मैंने स्टेप एक कदम ही रखा था वाइब्रेशन पे, वॉशरूम भी महसूस हो यार, इसको इल्यूजन कहेंगे शायद। अभी मैं आया ना, ये जो खाली गैप है लिटरली ऐसा लगा जैसे कि खड़ा हुआ है, मुझे लगा कोई इलाका वाकई, उसको मैं कहने वाला था कि यहाँ से हट जाओ। क्या बात कर रहे हैं, लिटरली वो इल्यूजन कहने क्या कहने, मुझे ऐसा ही लगा कि कोई खड़ा हुआ है, मैं उसको ये कहने वाला था कि हट जाओ यहाँ से, ये जो जगह है वही जो टूटी हुई जगह है जहाँ जहाँ से हम आए हैं अभी। हाँ यार पॉसिबल है, मान सकता हूँ ये बात, इल्यूजन ख्याल शायद आया, हेलुसिनेशन। अच्छा एक और बात नोट कर रहे हैं आप, ये हाल भी इसका एक अरसे से है, समंदर की हवा नमी होती है उसमें और वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही करता है आपकी चीज़ों को, लेकिन अभी तक ये टाइम है और उसके रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि कोई आए ना गलती से। जो खातून है उनकी क्या स्टोरी है? यही है कि वो नज़र आती हैं। आती कहाँ से?
एक और चीज़ मुझे नोट कर रहा हूँ ना, ठीक है मैंग्रूव्स हैं पूरे इलाके में, जंगल है पूरे इलाके में, पानी है, लेकिन इसके सामने जो पानी है ना वो कीचड़ है, वो गंदगी है ज़्यादा, गंदगी है बहुत। नोट करें, मैं यही बात कहने वाला था उस वक्त जब आपने मुझे बुलाया था उसके लिए, वो देख रहे कीचड़ गंदगी ज़्यादा है इधर पानी में ना, और इसी के सामने पानी में क्या सिर्फ वही है, कीचड़ ही है सर। हाँ कीचड़ ही है। ओए सर सुहेल भाई टाइम नहीं है, जल्दी उतरो। आजा 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 सुहेल भाई, आजा आजा यार। यार ये क्या बिल्कुल वही चीज सुहेल भाई, ये क्या बात है यार, और सेम एग्जैक्ट उसी तरह का टूटा हुआ है बिल्कुल पूरा, यहाँ से वही, ये देखो ना भाई बिला वजह का गैप नहीं है इतनी जगह। हाँ यहाँ भी आग लगी है, ऐसे भी वैसे ही तोड़ा गया है। शायद हम जो देख रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, या जो समझ आ रहा है वो है नहीं, पता नहीं इस वक्त क्या, मैं इधर इस चीज को देख के ना कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत। सेम बिल्कुल ना, सेम मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी फर्स्ट फ्लोर पर ही हूँ। हाँ आइएगा अगर आप दिखाएं इसको पूरा। यार ये कपड़े पड़े हुए हैं, चटाई भी पड़ी हुई यहाँ पे, दीवार पे कोई आग नहीं, नीचे कोई आग नहीं, ये देखो इस पे नजर ही नहीं पड़ी मेरी, और वहां की छत वहां भी आग है ऊपर, एक में नीचे आगे, एक में दीवारों पे आगे, एक में छत पे आगे, देख रहे ना आसपास आग नहीं है, कोई नीचे नहीं आग नहीं है, ऊपर आग है, यहाँ भी ऊपर आग है, क्या मतलब इसका कि इधर आग लगी है ऊपर आग, दीवार तो बनती आग से जाती है आग, ये भी तो मेन एलिमेंट कह रहे हैं ना आप जी। सुन रहे ये दिखा पूरी छत आग से भरी, देखा काशिक ने अंदर आग, नीचे वाली आग छत पे भी ऐसी था। अच्छा तो लाइट दीजिए ना, खंडर ही है बिल्कुल ये, रात होते होते ये यहाँ तक आ जाएगा, तो शायद टकराए समंदर इससे रात को, और वैसे भी गैर मरी जो चीजें होती हैं उनको खिड़की दरवाजे और इन चीजों से कोई लेना देना तो होता नहीं है, वो इस तरह से ट्रैवल